Hello all, welcome to my channel Design Desirers. Today's video is about finding the root cause of stress using mind map. Mind map एक ऐसी technique है जो अक्सर हम designers अपने काम में use करते हैं. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं mind maps क्या होता है. Mind map एक ऐसी technique है जो आपका brain use करता है उन थॉट्स को कैप्चर करने के लिए जो अक्सर आपके अंदर चलते हैं. इन थॉट्स को यूज़ करके आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, अननोन प्रॉब्लम्स डिफाइन कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं. माइंड मैप आपको हेल्प करता है कि आप एक बेटर थिंकर बने. चलिए तो अब हम एक रियल टाइम टॉपिक पे इस टेक्निक को यूज़ करके देखते हैं. अक्सर हमने ये देखा है कि भारतीय महिलाएं स्ट्रेस बहुत लेती हैं, सोचती बहुत ज़्यादा हैं. अक्सर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके अंदर ये स्ट्रेस किस वजह से है. एक छोटी सी रिसर्च के बाद हमें ये पता चला कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं उनका इतना स्ट्रेस लेने के लिए. ये रीजंस अब हम इस टेक्निक के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं. स्ट्रेस लेना मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार करना, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं. अब वो सोचती किस बारे में है? नेगेटिव कमेंट्स जो अक्सर उसे सुनाई देते हैं, कंपैरिजन जो उसका किया जाता है, झगड़े अक्सर जो उसके होते हैं, और गॉसिप्स अक्सर वो जो करते हैं. अब नेगेटिव कमेंट्स उसे कहाँ से सुनाई देते हैं? रिलेटिव से, फ्रेंड्स से और कलीग से. झगड़े किसके साथ होते हैं? हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ या फिर चिल्ड्रंस के साथ. कंपैरिजन किसके साथ होता है? घर पे, ऑफिस में या फिर बिजनेस में. गॉसिप्स अक्सर वो सबके साथ करती है. कंपैरिजन उसका सिबलिंग्स के साथ या फिर नेबर्स के साथ होता है, और ऑफिस में कोमेट्स के साथ. अब नेगेटिव कमेंट्स उस तक कहाँ से पहुँचते हैं? रिलेटिव्स में पेरेंट्स से, कजिन्स से या फिर नेबर्स से. अब उन कमेंट्स की उस तक पहुँचने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? डेली, कभी कभी या ओकेजनली. फाइट्स क्यों होती है? हस्बैंड के साथ एक्सपेक्टेशंस की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से. पेरेंट्स के साथ डर या फिर सपोर्ट की वजह से, और बच्चों के साथ सपोर्ट या फिर एक्सपेक्टेशंस की वजह से. अब हमें ये समझ आ गया कि स्ट्रेस ज़्यादा सोचने की वजह से हो रहा है और ज़्यादा विचार किस बारे में हो रहे हैं. हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया, अब हम इसका सलूशन ढूंढते हैं. ये नेगेटिव कमेंट्स जो हमें हमारे रिलेटिव से सुनने को मिलती हैं, इनका हम ऐसा क्या करें जिससे हमें स्ट्रेस ना हो और हम ज़्यादा ना सोचें. अब ये नेगेटिव कमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा करना चाहिए था, उसने वैसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, मैंने उसके बारे में वैसा बोला. इसी सारी गॉसिप को हम नेगेटिव कमेंट्स कहते हैं, जो हम दूसरों से सुनते हैं और दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं. अब नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर किया जा सकता है, उन्हें डिस्कस किया जा सकता है, उनकी आदत बनाई जा सकती है या फिर उनमें पॉजिटिविटी ढूँढी जा सकती है. इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है, बट किया जा सकता है. उसके तरीके हैं, या तो अपना ध्यान किसी और जगह आकर्षित करें, या फिर टॉपिक बदल दें, या फिर उन कमेंट्स को भूल जाएं, या फिर इस बात की आदत बना लें कि अक्सर हमें ये बातें सुनने को मिलेंगी तो हमें इनकी ओर ध्यान नहीं देना है. सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिस्कशन करना. उस इंसान के साथ डिस्कस कीजिए जिससे आपको ये बातें सुनने को मिल रही है. उन्हें बताइए कि इन बातों को सुन के आपको स्ट्रेस होता है, और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके साथ ये बातें शेयर ना की जाए. हो सकता है इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाए, क्योंकि वो बातें आप तक ना पहुंचेंगी और ना ही आप विचार करेंगी.
अपने हस्बैंड या अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके आप उस नेगेटिव कमेंट्स में कुछ पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप उसे अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बताने वाले इंसान का नज़रिया नेगेटिव हो, आप उसे पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। डिस्कशन करने से काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। जैसे ही हमें कोई नई बात पता चलती है, वैसे ही तुरंत हम उसे और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कीजिए। बट अगर वो कोई निगेटिव चीज़ है तो उसे भूल जाएं, उसे किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जितना आप उसको शेयर करेंगे उतना वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी और आपको स्ट्रेस देती रहेगी। अब आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके अपना स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उसका रूट कॉज जान सकते हैं कि आपको एक्चुअली स्ट्रेस किन चीज़ों की वजह से हो रहा है। यहाँ हमने एक ऑनलाइन टूल यूज़ किया था, बट आप सिंपल पेपर एंड पेन यूज़ करके भी इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। समराइज़ करते हुए मैं कहूँगी, डिज़ाइन योर लाइफ योर वे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टेक्निक को डिटेल में समझने के लिए, इसके रूल्स जानने के लिए हमारा माइंड मैपिंग का वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।